आज की हमारी रेसिपी है मसाला फिश फ्राई। बहुत ही इजी तरीके से बनाया है और खाने में उतना ही टेस्टी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग में। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो कतला फिश, जिसे मैंने पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं और अच्छे से पानी से धो लिया है। यहाँ लिया है मैंने आधा इंच टुकड़ा अदरक का और साथ ही लिया है 809 लहसुन की कलियाँ, जिसे हमने कट करके छील के अच्छे से धो के इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलबट्टे का यूज़ किया है, आप चाहे तो मिक्सर जार का यूज़ कर सकते हैं। मसाला कम था तो मैंने सिलबट्टे का यूज़ किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम फिश में अच्छे से मिला लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से मसाले को मिला लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है आधा नींबू का रस, मैंने इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ दिया स्वाद के अनुसार नमक और यहाँ पे हम कॉर्नस्टार ऐड करेंगे। यहाँ मैंने कॉर्नस्टार एक चम्मच ऐड किया है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। हम मछली के पीसेस में अच्छी तरफ से दोनों तरफ लगा लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरीके से आप चाहे तो 5 से 10 मिनट के लिए इसे रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया है गैस की फ्लेम को ऑन और कढ़ाई को गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है सफ़ेद तेल, सोयाबीन का तेल डाला है, आप चाहे तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को स्लो करके सभी पीसेस को अच्छे से यहाँ पे डाल दिया है और हम इसे स्लो आंच में ही पकाएंगे। इसी तरीके से एक साइड अच्छे से पकने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से पलट लेंगे। आराम से पलटिए, मछली टूटना नहीं चाहिए। इसी तरीके से आराम से आप मछली के पीसेस को पलट लीजिए। अभी भी हम गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रखेंगे और दूसरी साइड भी स्लो आँच पर ही हम पका लेंगे। इसी तरीके से मछली के पीसेस को दोनों साइड से पकने के बाद में आप यह खाने के लिए रेडी है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप झटपट घर पे बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं। यहाँ मेरे मछली के पीसेस दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कड़क फ्राई नहीं किया है। इसी तरीके से आप बनाइए, खाइए और बताइए किस तरह बनाया है। वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।